हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे. थोड़ी बात करनी थी, क्योंकि अब त्यौहार चालू हो गए हैं कल से, तो मैंने सोचा आज व्लॉग शुरू करते हैं त्यौहार के लिए, स्पेशली दिवाली. तो आज है बारस, कल थी एकादशी, और कल से हमारे गुजराती त्यौहार शुरू हुए हैं. दिवाली तो वैसे पूरे इंडिया में सब लोग मनाते हैं, मगर हम गुजरात में त्यौहार शुरू करते हैं एकादशी से. तो कल से त्यौहार शुरू हो गए हैं. रहते हैं फॉरेन में, मगर दिल तो हिंदुस्तानी है, जो हम है एक्चुअल में. याद भी बहुत आती है, वो तो मैं हर बार बोलूँगी, क्योंकि इंडिया कभी नहीं ऐसे मन दिल से ज़रा भी नहीं दूर होता, और बहुत याद आती है त्योहार में. कल क्या किया? कल थी एकादशी. कल तो वैसे हमारे यहाँ सब शुरू कर देते हैं कुछ ना कुछ नाश्ता बनाना, मगर मैंने कल संडे था, सफाई की. एक मिनट. हाँ, तो मैंने एक मिनट इसलिए बोला था कि मैं कुछ कर रही हूँ, बैंगन का भरता बना रही हूँ खाना लंच में. और कल मैंने घर की सफाई की, पूरे घर की, पूरा दिन. वैसे सफाई क्लीनिंग होती है, मगर वो जो अंदर से होता है ना कि दिवाली के लिए कर रहा है, वैसी डीप क्लीनिंग कल की. तो कल क्लीनिंग की, शाम को दिए जलाए, मगर कल का मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई. हाँ, आज से मैं करूँगी. आज दूसरा दिन है हमारे गुजराती में, आज बोलते हैं वाघ बारस. तो आज मैं नाश्ता बनाना शुरू करूँगी, और आज बनाऊंगी मैं खस्ता पूरी, फरसी पूरी बोलते हैं हम लोग. शायद मैं दो टाइप की बनाऊंगी, और उसकी रेसिपी भी मैं बताऊंगी आपको कि मैं क्या क्या उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की है. और अभी के लिए तो मैं बन रही लंच पहले बना देती हूँ, फिर फ्री होके वो काम कर सकते हैं. तो जितना हो सके अब आगे तीन दिन में नाश्ता वगैरह बनाएंगे, और अच्छा लगता है. भले घर में कोई इतना कोई आता नहीं है यहाँ पे, लेट्स सी. मैं प्लान करती हूँ, सोचते हम लोग फ्रेंड्स की चलो दिवाली पार्टी करेंगे, मगर सब यहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं. तो जैसे जैसे सबके टाइम सेट होंगे तो उस तरह से रखेंगे, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. मगर अभी शुरुआत कर रही हूँ. आज वाघ बारस है, थोड़ी बहुत घर में डेकोरेशन की भी शुरुआत की है. आई शो यू, ये देखिए. हाँ, ये तोरण मैंने इंडियन स्टोर से लिया और लगाया घर में, क्योंकि 5 साल में पहली बार तोरण लगा. इंडिया तो हम जाके आए थे, मगर लेके नहीं आ पाई थी. और मैं दिखाऊं, ये बन रहा है बैंगन का भरता, उसकी ग्रेवी बन रही है, और ये है बैंगन का मैश, स्मैश करके रखा है मैंने. बनाऊंगी साथ में बाजरे की रोटी, और कुछ दिखाती हूँ. ये प्रिपरेशन की है फरसी पूरी के लिए, रोस्टेड क्यूमिन और रोस्टेड वो क्रस्ट जीरा क्यूमिन और ब्लैक पेपर, उसको मैंने क्रश करके रखा. अभी मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी. तो बने रहिए साथ साथ में, बातें भी करेंगे और नाश्ते भी बनाएंगे, तो मेरा टाइम भी निकलेगा, अच्छा लगेगा. मिलते हैं जल्दी रेसिपी के साथ, फरसी पूरी की. बाय. अच्छा, एक बात बतानी थी. कल संडे था, और कल थी तारीख 27 अक्टूबर. तो कल से यहाँ पे डेलाइट सेविंग्स शुरू हो गया. तो वो ऐसा होता है कि फॉरेन में, यूरोप में, स्पेशली यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, जितना मुझे नॉलेज है, हम जब विंटर शुरू होता है तो रात लंबी होती है, ऐसा बोलते हैं. जो हमारे यहाँ भी बोलते हैं इंडिया में, मगर रात लंबी होती है, यानी यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है. इसलिए इन लोगों को 1 घंटा आगे बढ़ाना पड़ता है घड़ी को. तो ये सिस्टम उन लोगों ने की है, क्योंकि अगर 1 घंटा वो ज़्यादा नहीं करेंगे आगे,
तो दिन बहुत ही वो अंधेरा बहुत देर तक लगेगा। यानी अभी यहाँ पे हम लोग साइप्रस में रहते हैं, तो साइप्रस में कल से टाइम चेंज हुआ, पूरी यूरोप में सब जगह पे हुआ। तो कल जब सुबह उठे, फोन की घड़ी जो ऑटोमेटिक हो जाती है टाइम से, फिर ये घड़ी हमने अपनी घर वाली सेट की, तो 1 घंटा हमें ज्यादा सोने को मिलेगा क्योंकि विंटर आता है तो थोड़ा सोने का मन होता है, कोजी कोजी फील होता है, तो चलो थोड़ा रेस्ट ज्यादा करते हैं। तो अच्छा लगा कल से। अभी 6 महीना, 5-6 महीना तो ये रहेगा, मार्च एंड तक ये रहेगा, जब तक समर की शुरुआत नहीं होती। क्योंकि और अभी आगे आगे आज तो कल हमने नोटिस किया, 1 घंटा उन लोगों ने आगे बढ़ा दिया, तो भी कल 5:30 बजे अंधेरा हो गया था, पर ऑलरेडी 1 घंटा उन लोगों ने बढ़ा दिया। एक्चुअल टाइम ये है, टाइम डिफरेंस तो अभी हमारा इंडिया से पहले, इंडिया का टाइम डिफरेंस था 2.5 आवर्स, 2.5 घंटा। अब कल जो 1 घंटा हमारा आगे चला गया, तो उन लोग अभी हो गया 3.5 घंटे का टाइम डिफरेंस। तो अभी थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वहां पे बातें करनी होती है फोन पे, घर घर पे फोन करते हैं तो देखना पड़ता है, क्योंकि हम उठते हैं सुबह 6, 6:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, तो वहां पे ऑलरेडी 9:30 बज गए होते हैं। फ्रेश होके हम चलो 8 बजे चलो कॉल किया, तो वहां पे दोपहर शुरू हो जाती है, तो टाइम डिफरेंस ये 3.5 घंटे का हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वहां पे भी सब लोग बिजी होते हैं, उनके भी काम वगैरह होते हैं, तो टाइम नहीं सेट होता। 2.5 घंटे का ठीक है, 3.5 घंटे मुझे डिफिकल्ट लगता है जब ये टाइम चेंज होता है डेलाइट सेविंग का। ठीक है, अब तो मैनेज हो जाता है, अभी तो कर लेते हैं, अब अंधेरा जल्दी होगा। चलो इस अभी तो अब हाँ, बस नवंबर शुरू हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी 15 दिन बाद, शायद 10 दिन 15 दिन बाद, 4:30 बजे अंधेरा हो जाएगा, और नवंबर खत्म होते होते तो 4 बजे, 4:45 बजे से अंधेरा शुरू हो जाएगा दोपहर के, और विंटर हो क्लाउड दिखेंगे बाहर, बारिश भी आएगी। बहुत डिप्रेसिंग वेदर होता है, सच बोलूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, तो पर वो दिन भी काटने पड़ते हैं, कहाँ जाएंगे, पर बहुत ही ऐसे सफोकेशन जैसा होता है मुझे वो देख के, क्योंकि अंधेरा है बाहर, टाइम नहीं निकलता अपना आपका जल्दी, और बाहर का वेदर कि आप इतनी ठंड में और बारिश में बाहर जा भी नहीं सकते। तो ये हो गया, अभी 5 महीने, 4 महीने तो एटलीस्ट ये करना पड़ेगा बैर। मगर हाँ, दिसंबर में दिसंबर आधा जाता है तो फिर वापस वो सन का डायरेक्शन धीरे धीरे रिवर्स होता है, तो वापस धीरे धीरे वो रिवर्स क्लॉक चालू हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी भी मेरे व्लॉग में कि कैसे कैसे आपको अंधेरा देखने को मिलेगा, कि देखो अभी 4:30 बजे हो रहा है, 4 बजे हो रहा है, देखो 4:45 बजे ऐसा वेदर है, और वापस वो रिवर्स होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मेरा बैंगन का भरता जल रहा है मैं बाद में बात करती हूँ, बाद में मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, तो आई एम बैक अगेन। हाँ, तो मैंने बोला था कि मैं फर्सी पूरी की रेसिपी दूंगी आपको, तो चलिए मैं वो दिखाती हूँ। ये है, ये ऐसे नहीं दिखा सकती मैं, नहीं दिखेगा ना, हम रिवर्स कैमरा करते हैं। ये सही है, बैक कैमरा कर दिया मैंने। ये है मैदा जो मैंने डाला है, मैदा लिया है अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 300 ग्राम, 300 ग्राम जितना मैदा लिया है, उसमें ज़्यादा नहीं मगर थोड़ी सूजी डाली, सूजी डाला सेमोलिना। ये है ऑल पर्पस फ्लोर, और ये है सेमोलिना जो मैंने डाला है शायद 100 ग्राम जितना ही डाला है। अब मैं उसमें डालूंगी ये रोस्टेड क्यूमिन और ब्लैक पेपर, ये थोड़ा वो रोस्टेड है मगर ये क्रस्ट है, और ये है थोड़ा भुना हुआ अखा जीरा गुजराती, और ये है कलौंजी, हाँ ये है कलौंजी, ये भी मैं डालूंगी, नमक जाएगा, और तेल, तेल है मेरा पीनट ऑयल। अब ये मैं सारा इसमें डाल देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास स्टैंड है मगर वो स्टैंड ही, मगर उससे मैं नहीं कर पा रही,
इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फिर इसमें सारा वो तेल वगैरह सब डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और फिर मैं आटा गूंदूंगी। मैं ही दिखूंगी आपको, मगर फिर भी आपको आइडिया आएगा कि मैं डाल रही हूँ सब कुछ। हाँ, तो ये है जीरा, अब ये डाला हमने रोस्टेड वो क्रस्ट वाला जीरा और वो दोनों, पूरा का पूरा नहीं डालना है, जो आपके आपका जो फ्लावर होता है आटा उसके हिसाब से आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मेरा ज़्यादातर काम जो भी रेसिपी का होता है, मैं रेसिपी देती तो हूँ मगर मैं मेज़रमेंट ज़्यादा करती नहीं हूँ, मैं अपने अंदाजे से ही डालती हूँ, मगर हो अच्छा बनता है। अब डालूँगी नमक। नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा अच्छा लगता है, और मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, तो ये भी मैं आपको बता दूँ कि मैं पिंक सॉल्ट हिमालया का पिंक सॉल्ट आता है जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब मैं डालूँगी इसमें ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये खस्ता बनाने के लिए क्रंची तो सूजी भी पड़ती है और ऑयल भी, तो थोड़ी खस्ता बनती है ये। अब इसमें डालेंगे गरम पानी जो मुझे करना है, मिलते हैं दो मिनट में। अब ये देखो मैंने वो ऑयल डाला, उसको हम गुजराती में बोलते हैं मोवन डाल के थोड़ा अच्छे से, और ऑयल इतना डालना कि आपको आटा गूंथते वक्त आप ऐसे हो सके, आटा इतना ज़्यादा ऑयल डालना पड़ता है इसमें, तो पूरी ये मैदा है तो थोड़ी अच्छे से सॉफ्ट और क्रंची बनती है। देखो मैंने इतना ऑयल डाला है कि आप बिना पानी के भी इसको थोड़ा ऐसे पकड़ो तो ऐसा हो जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम पानी, पानी में से भाप आ रही है, देखा, हाँ गरम पानी है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। इसका आटा देखो मैं गूंद रही हूँ, हाँ इसका आटा एकदम से कड़क करना है, थोड़ा भी सॉफ्ट नहीं हो करते, इसको बहुत मजबूती से गूंदते हैं ये आटा, तो ही वो पूरी कड़क भी बनती है, क्रंची भी बनती है और अंदर से सॉफ्ट भी लगती है। बनेगी तभी भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी एक बार मैं आटा गूंद लेती हूँ, और आटा गूंदने के बाद ये आटा इसको मैं देखो मैं गूंद रही हूँ, हाँ इसको मैं रखूँगी थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे और काम भी है, बाजरे की रोटी बनानी है, भरता बनाया मैंने बोला था ना, हाँ तो फिर बाद में मैं इसको करूँगी, तो वैसे भी उसको रखना होता है गूंदने के बाद, तो टाइम मेरा यूटिलाइज हो जाएगा, तो मिलते बाद में। तो अब मैं बना रही हूँ फरसी पूरी, थोड़ा प्लान में चेंज है, आटा तो सेम ही है, हाँ ये आपको जो दिख रहा है ना ये है घी और सूजी। अब आइडिया मेरी फ्रेंड बोलो, बड़ी बहन बोलो, मैं उसको बड़ी बहन मानती हूँ, दीपा उसका नाम है, अहमदाबाद में रहती है, उसका है वो मैं कुछ भी ऐसा कुछ बनाती हूँ तो मैं वो मास्टर है रसोई बनाने में, तो मैं उसको पूछती हूँ, और दिवाली के लिए तो खास ही पूछती हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो हम छोटे थे तो हमारे घर में बनती थी ऐसी पूरी, मम्मी बनाती थी, फिर मैंने भी बनाना शुरू किया। नॉर्मल पूरी जो फरसी पूरी की होती है, जो ट्रेडिशनल होती है, वो तो होती है। अब ये जो पूरी है वो ट्रायंगल शेप की बनेगी, इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनती है। अब वीडियो भी मैं ही बना रही हूँ ये ब्लॉग का, और बनाने वाली भी मैं ही हूँ, तो थोड़ा इधर उधर होगा, मगर मैं रेसिपी तो पक्का दूंगी, अच्छे से दूंगी, क्योंकि मैंने दीपा से सब पूछ लिया है, मुझे पता तो था, मगर एक जो होता है ना कि हर बार उसको कॉल करके यार ऐसा करना है क्या करना है तू मुझे बता, तो वो मेरा होता ही है कि मैं उसको एक बार फ़ोन करके पूछ ही लेती हूँ कि भाई इसमें क्या है मुझे बता दे एक बार रेसिपी, तो मैं वीडियो बनाते बनाते आपको बताती हूँ। अब ये मैंने छोटी सी पूरी बेल ली,
ठीक है। अब इसमें मैं ये डालूंगी ऐसे करके, सूजी और घी का एक छोटा सा जो मैंने किया है मिक्स, इसको मैं ऐसे ऐसे स्प्रेड करूंगी। ये मुझे दीपा ने बताया है। अब बनने के बाद भी आप तो देखने ही वाले हो कि कैसी बनी। तो ऐसे करके फिर इसको हम ट्रायंगल शेप देंगे समोसे के जैसा। थोड़ा कैमरा इधर उधर होगा क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ा है और एक हाथ में मेरा काम हो रहा है। अब उसने ऐसा बोला, अब इसको थोड़ा दो थोड़ा सा बेलना है। अब उसके लिए मुझे दूसरा हाथ फ्री करना पड़ेगा। हाँ, तो ये मैंने थोड़ी बेल के थोड़ी बड़ी की। अब इसको थोड़ा चाकू से छोटा छोटा उसमें कट करना है बीच बीच में, क्योंकि ये फूले नहीं, इसको हमें फुलाना नहीं है, इसको हमें क्रिस्पी करना है ना, इसलिए हम ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई रेडी। हाँ, अब इसको हम रेस्ट करने के लिए दे देंगे। हैव रेस्ट बेबी। अब ये बैठेगी थोड़ी देर, जब तक ये सारा मैं बना के ख़त्म ना करूँ, ये सारे बना के। अच्छा, तो अभी जो जितना भी आटा है उसका मैं पूरा पहले ये पूरी बना दूंगी, ट्रायंगल शेप की, समोसा बोलो, खस्ता पूरी बोलो, जो बोलो वो, मगर वो बनेगा। बनने के बाद वो सारी बेल के रेडी हो जाएगी, उसको थोड़ा वो सूख भी जाएगी, तो उसको हमें फुलाना नहीं है डीप फ्राई करते वक्त, तो थोड़ी सूखेगी तो और क्रिस्पी हो जाएगी जब मैं उसको डीप फ्राई करूँगी। तो आगे देखिए कि मैं डीप फ्राई भी करके दिखाऊंगी और उसको उसका जो फाइनल आपको देखने को मिलेगा टेक्सचर, रूप, गुजराती में बोलो तो फाइनल जो होगा वो मैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लंबा है व्लॉग आज तो, क्या करें, ये तो रोज़ आएगा अभी कुछ ना कुछ जो भी बनाऊंगी, मगर छोटा सा व्लॉग या लंबा व्लॉग मैं रखूंगी क्योंकि फेस्टिवल्स शुरू हो गए। बने रहिए। तो ये हमारा लंच भी रेडी हो गया, बाजरे की रोटी। अब जैसी आती है वैसी बनाती हूँ और यहाँ पे जो मिलता है उससे काम चलाती हूँ। अब ये मैं कर रही हूँ डीप फ्राई। तो ये बनने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। हाँ, समोसा पूरी, फरसी पूरी। इसको थोड़ा ब्राउन ज़्यादा किया है मैंने, इतना भी नहीं, मगर हाँ लग रहा है कैमरा में ऐसे गोल्डन ब्राउन करना पड़ता है क्योंकि मैदा है, तो इसको अच्छे से मैंने डीप फ्राई किया है। अब हम खाना खाने बैठेंगे। हमारी खाने की प्लेट, बैंगन का भरता जो मैंने बताया था, रोटी बाजरे की, थोड़ा ठीक है, सारी ऐसी नहीं बनी तो ये साइप्रस की है और ये इंडिया वाली है, ये गोरी है, ये काली है। देखा, ऐसे रिव्यूज मिलते। और ये कैसी बनी? ये भी बहुत अच्छी बनी है। वैसे नेहा जी, खाना आप वैसे भी बहुत अच्छा बनाते हो। अब वैसे तो हमारे जो सब्सक्राइबर है उनमें से बहुत... नहीं, ये कैसा बना? क्योंकि ये बहुत अच्छा बना है, ये क्रिस्पी भी है। और देखो ऐसे ना, जब हम इसको तोड़ते हैं ना, आप देखिए तो ये टक, ये जो आवाज आती है ना, इसका मतलब होता है ये क्रिस्पी है। और ये ना, ये अजवाइन वाली है ना? अजवाइन नहीं, कलौंजी। कलौंजी, कलौंजी, दिखने में काली है। रेसिपी तो मैंने व्यूअर्स को दी थी, आपको थोड़ी पता था, ये तो घर पे थे नहीं, उनको नहीं पता है। ये है घी, गुड़, ये है ऑनियन, प्याज, ये है पापड़। अब मैं खाना खाने बैठती हूँ यार, बहुत भूख लगी है। और टाइम देख लीजिए आप, दोपहर के नहीं, ऑलमोस्ट ना दोपहर, आफ्टरनून, 4 बजे। अब खाना खाएंगे 4 बजे। अभी मेरा काम तो चालू ही है जो मैं खाने के बाद करूँगी, क्योंकि आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ी बहुत बना के डीप फ्राई कर दी थी। तो व्लॉग अभी मैं ख़त्म कर रही हूँ, यहाँ पे लंबा हो गया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो, प्लीज़ कमेंट ऑल्सो। और व्यूज़ अच्छे आते हैं, सब्सक्राइब कीजिए तो और मज़ा आएगा।
और आज से त्योहार शुरू हुए हैं, कल से सबको आगे दिवाली, सबकी दिवाली अच्छी जाए ऐसी भगवान से प्रार्थना। कल भी व्लॉग रखूंगी, भले ही छोटा रखूंगी, मगर अब रोज व्लॉग रखूंगी क्योंकि त्योहार शुरू हुए। तो मिलते हैं कल, बने रहिए हमारे साथ, बाय।